कहता है। धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप है। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं। यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है।